हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF के फॉर्म के बारे में। आप काफ़ी लोग बहुत दिनों से परेशान हो इस चीज़ को लेकर के कि आप अपना CISF का फॉर्म भर रहे हो और फॉर्म भरने के बाद आप जैसे ही प्रिंट आउट लेना चाहते हो, कई बार प्रिंट आउट नहीं आ रहा और उसमें दिखा रहा है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आप वेट करें, ठीक है। और आप क्लिक कर रहे हो तो वापस रिडायरेक्ट हो जाता है पेमेंट के लिए, फिर वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अबॉर्ट करने का। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप कर देखना, जिससे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप ये वीडियो को स्किप करते हो तो पक्का आप पछताने वाले हो। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो मेरा आपसे वादा है कि आप जिस मकसद के लिए इस वीडियो पर आए हो, आपका वो सफल होने वाला है और आप इजीली सीख पाओगे कि आपका जो प्रिंट नहीं निकल रहा था वो क्यों नहीं निकल रहा था और उसको हमें प्रिंट को कैसे निकालना है, तो हमें क्या करना है। मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर PC की लाइव दिखाऊंगा और आपको अच्छे से डिटेल के साथ समझाऊंगा, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और आप समझ सको कि किस तरीके से हमें CISF का पेंडिंग प्रिंट निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप CISF का फॉर्म भर रहे हो तो आपको मोज़िला फायरफॉक्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। सबसे ज़्यादा पेमेंट की दिक्कत उसी ब्राउज़र में आ रही है। आप गूगल क्रोम का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रेव का, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह ऐसे ब्राउज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब इस सिचुएशन में हम लोगों को करना क्या होता है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा इस तरीके का एरर आने पर आपको क्या करना है। आपको 48 घंटे का वेट करना है, आपको कहीं क्लिक नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा अपना पेज को लॉग आउट कर देना है। और लॉग आउट करने के बाद आपको 48 घंटे का वेट करना है, ठीक है। आप उससे पहले उसको लॉगिन ही नहीं करेंगे, ठीक, बिल्कुल भी आपको बीच में उसको बार बार आके चेक नहीं करना है कि कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ। 48 घंटे से 50 घंटे हो जाएं, लेकिन 39 घंटे नहीं होने चाहिए या 47 घंटे नहीं होने चाहिए। तो वो चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, छेड़खानी ज़्यादा नहीं करनी है। लेकिन जिस मेथड से मैं आपको बताऊँगा, आपका CISF का प्रिंट निकल जाएगा। और लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, जब फायर वाली वैकेंसी आई थी तब भी ये दिक्कत हुई थी। तो उस चीज़ का हमने उस समय तो वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन इस बार काफ़ी DMs आए हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आपको भी कोई दिक्कत होती है तो आप इंस्टाग्राम पर हमें DM करके अपनी प्रॉब्लम बताकर हम अपना सोल्यूशन करा सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, फॉलो ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, अब आपको लेकर चलता हूँ मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जहाँ आपको बहुत अच्छे से अब मैं 48 घंटे के बाद का क्या प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिना स्किप किए देखते रहना, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन दबा के दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके जाना, और अगर वीडियो बुरी लगे या इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रिंट नहीं निकलता तो जैसे ही आप कमेंट करना चाहें वैसे ही कमेंट आप नीचे आके कर सकते हैं। और अगर ये आपका सक्सेस हो जाता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देना, और अपना लाइक करके और शेयर करके प्यार इस वीडियो को ज़रूर देना और हमारे चैनल को सपोर्ट करना। तो चलिए बढ़ते हैं PC की स्क्रीन पे। आपके सामने इस तरह से मैंने लॉगिन कर लिया है CISF के फॉर्म को। इस फॉर्म में कैंडिडेट की दिक्कत आ रही थी सीट अपडेट होने वाली। तो दोस्तों, हमने क्या किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपको लॉगिन करने के बाद 48 आवर्स तक का वेट करना है, ठीक है। 48 आवर्स के बाद ही आपको इसको लॉगिन करना है। अब हमने इसको फॉर्म को 48 आवर्स के बाद लॉगिन कर लिया है, ओके। तो इतना अब आपको क्लियर हो गया। और अब आपको ये चीज़ हो रही है, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ पता लग गई होगी, अगर मैंने ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ होगा तो सीधा प्रिंट आउट निकलेगा और कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन इसमें मुझे शो नहीं होंगे, ठीक है। और अगर पेमेंट नहीं किया तो वो पेमेंट के लिए बोलेगा। तो आप जब इसको मैं आगे प्रोसेस कराऊंगा तो आप वो चीज़ सब ऑलरेडी समझ जाओगे, जैसे मैं आप फॉर्म को आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं इस फॉर्म में ये दिक्कत थी तो उसको 48 से 50 घंटे के आसपास हो चुके हैं। अब मैं फिर लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के लिए मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लिक हियर टू अप्लाई पे। सेम ये आपने ऑलरेडी देख लिया होगा इंटरफेस, और कंटिन्यू, ठीक है। दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ यही ऑप्शन देखा था, आपकी स्क्रीन पर आ रहा था प्रोसीड टू पे और बैक। ये नीचे जो आपको ऑप्शन मिल रहा है चेक पेमेंट स्टेटस इफ ऑलरेडी पेड, ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों, ये ऑप्शन आपको अगर चाहते हैं कि आपके फॉर्म में भी आ जाए, तो उस सिचुएशन में आपको 48 घंटे तक का वेट करना ही होगा। हर हालत में आप 48 घंटे तक लॉगिन भी नहीं करेंगे। अगर आप उसको लॉगिन कर लेते हैं बीच में, तो उस टाइम से 48 घंटे काउंट होने स्टार्ट होंगे। जिस टाइम आप लास्ट लॉगिन करोगे उससे 48 घंटे काउंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको खुद से ध्यान रखना है कि 48 घंटे तक छेड़खानी नहीं करनी है।
ठीक है दोस्तों, जब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा 48 घंटे के बाद, आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है चेक पेमेंट स्टेटस पे इफ ऑलरेडी पेड। आपको यहाँ क्लिक करते ही नीचे आपका रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर और अमाउंट शो हो जाएगा, और नीचे स्टेटस में आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा सक्सेस, इसका स्टेटस शो हो जाता है। तो अब होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस वीडियो में कुछ फेक नहीं है, रियल है, जेन्युइन वीडियो है। ठीक है, आप इसको रिलोड भी कर सकते हैं, रिलोड पर क्लिक करेंगे और देखिए आप सामने आपकी स्क्रीन पर आपका प्रिंट आउट आ गया है। ठीक, तो इसमें ज्यादा कुछ सिरदर्दी नहीं है, वो सिंपल से स्टेम्प है बस, वो मैंने आपको बहुत इजीली समझाए हैं और बस कोशिश की है आपको समझाने की, और आपके सामने प्रूफ भी है ताकि आप ये ना कहो कि आपने फेक वीडियो बनाई है या व्यूज के लिए वीडियो बनाई है। तो व्यूज के लिए तो वैसे जेन्युइन बात तो यह है कि सब भी बनाते हैं, लेकिन हम इन्फॉर्मेशन आपको सही देते हैं, वेरीफाई करने के बाद देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि गलत कुछ भी भिड़ा दिया आपको। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको ये चीज समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी, जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन दबा के दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, और कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहां आप मुझे DM भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।